गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही ज़्यादा बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का टॉपिक है कि पढ़ाई क्यों करें। यार भाई, चाचा भी बोलते, पापा भी बोलते, मम्मी भी बोलते, दादा भी बोलते, दादी भी बोलते, बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। फैमिली में और किसी के पास जाते हो, वो भी बोलता है बेटा तू पढ़ ले, और तो कुछ बोलना ही नहीं, बस यही बोलना है हमेशा, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, जहां भी जाओ पढ़ ले। तो यार कभी सोचे नहीं होगी इतना ये पढ़ाई के लिए बोलते हैं, आखिर इस पढ़ाई में क्या है? कभी मैं जानने का प्रयास तो करूं, क्या ये जो बुक्स हैं, बुक्स को पढ़ लेना, दिमाग में रट लेना, वही पढ़ाई है? क्या बुक्स को रटना, एग्जाम पास कर लेना, एग्जाम में अच्छे मार्क्स पा जाना, क्या वही पढ़ाई है? देखिए, जब से हम पैदा हो जाते हैं ना, उसके बाद से अपने दिमाग का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते ना, और जब हम पढ़ाई करते हैं ना तभी तो दिमाग का प्रयोग करते हैं ना। बताइए, जब हम पढ़ते हैं, किसी चीज को सोचते हैं, तो हमारा जो दिमाग है ना वो चलता है। भगवान दिमाग तो सबको देता है, माइंड सबको देता है, फुल दे देगा, बोलेगा जितने तेरी औकात है चला ले, ठीक है, जितना तेरी औकात, जितना तू दौड़ाना चाहे दौड़ा ले, जितना तू इसे धीरे चलाना चाहे धीरे चला ले। तो जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर जाते हैं, हम चीज़ों को याद करते हैं, और भी चीज़ें हमारे साथ होती हैं। और आपको बता दें कि बुक्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो सच में हमको नहीं पता हैं। जब हम इन बुक्स को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा आने वाला प्रेजेंट कैसा हो सकता है, हमारा फ्यूचर कैसा था, हम लोग पहले कैसे थे, ठीक है। साइंस क्या कहती है, कैसे लॉजिक है, कैसे फंडा है, कैसे कार चलती, ये होता है वो होता है, बहुत सी चीज़ें, ये सब चीज़ें पढ़ाई के दौरान ही तो होती हैं। अगर आप सोचो कि आप कहीं पे जंगल में जाओ, हू हल्ला करके खाओ पियो जंगली खाना, मर जाओ, क्या कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर आप पढ़ रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो, पढ़ रहे हो, चीज़ें सीख रहे हो, तो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। देखो, एक पढ़ा लिखा इंसान यहाँ पे है और एक जंगल में रहने वाला इंसान यहाँ पे है। पढ़ा लिखा वाले को पता है ऐसे ऐसे खाऊंगा मैं, ये खाऊंगा वो खाऊंगा, ऐसे करूंगा, ठीक है, मैनेज कर लेगा। बीमार होगा तो वो एजुकेशन के बल पर ही दवाई होती है, जो दवाइयाँ कहाँ बनती हैं, डॉक्टर भी तो पढ़ के ही बनता है। ये जो जंगल में रहने वाला व्यक्ति है ना, ये कुछ भी खा लेगा, बीमार पड़ जाएगा, डॉक्टर नहीं रहेगा, मर जाएगा। ये व्यक्ति क्या होगा, वो 20 साल की उम्र में मर गया, खत्म कहानी। ये क्या है, 20 साल की उम्र में खाना खाया, बीमार पड़ गया, कुछ भी हो गई, तुरंत दौड़ के ऐसे से गए डॉक्टर के पास, दवा करवा लिया। तो कहीं ना कहीं ये जो रिलेशन है ना, ये जो बॉन्ड है ना, ये जो नेटवर्क है ना, ये बिना पढ़े आ ही नहीं सकता है, ठीक है। आपको लगता होगा, आज मैं बहुत ढेर सारा चीज़ें आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि इस वर्ल्ड के अंदर जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी को चला रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनी को ऑन कर रहे हैं, वो ड्रॉप आउट हैं। उन्होंने ड्रॉप आउट किया है, उन्होंने नंबर से नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन उन्होंने पढ़ाई बहुत की, उन्होंने बुक्स को बहुत पढ़ा है। उनके पास कोई डिग्री नहीं कि ये लो मेरी डिग्री, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया, मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, नहीं, लेकिन उन्होंने बुक्स बहुत पढ़ा है और वो बुक्स आज भी पढ़ते हैं, ठीक है। ये होते पावर ऑफ बुक्स, पावर ऑफ नॉलेज। जितना आपके पास नॉलेज होगी ना, उतना आपका दिमाग ज़्यादा क्रिएटिव होगा, कुछ अलग करने का सोचेगा, हमेशा कुछ अलग करेगा। और जब दिमाग के अंदर नॉलेज है ही नहीं तो अलग करने का क्या खाक सोचेगा, कुछ भी नहीं सोचेगा, वही भद्दा का भद्दा, भोंदू का भोंदू वो बना रह जाएगा, ठीक है। अब समझ गए ना किस लिए चाचा चाची दादा दादी पूरे परिवार वाले बोलते बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। और आज आखिरी में मैं भी यही बोलना चाहता हूँ कि बच्चे पढ़ ले, जिंदगी बन जाएगी, और अगर इधर उधर टहलता रहा ना तो बिल्कुल से बर्बाद हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।